कार्यकर्ताओं में सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोग यहां पर धरना मंच में आए हैं और खास करके ये धरना मंच किस लिए रखा गया है। सेंट्रल जो फंड होता है वो फंड बंद करके रखा गया है, इसलिए आज हम लोग यहां पर धरना मंच में बैठे हैं। हम खास करके सभापति हैं, हम लास्ट में अपना वक्तव्य रखेंगे, अपना बातें बोलेंगे, हम लास्ट में यहाँ निकल जाएंगे। हम लोग अपना धरना मंच हम लोग यहाँ पर बैठ करके अपना धरना मंच हम लोग कामयाब करेंगे और हमारे ड्यूटी का जो निर्देश है, हमारे अभिषेक बनर्जी का जो निर्देश के मुताबिक हम लोग चलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद, बाल बहुत पंडित जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सर जनाब मंत्री साहब का और भी दो जगह प्रोग्राम, सभी यासमीन फैयाज और सवाई अपना इस चीज सवाई के अंदर हमारे ब्लॉक कमेटी के धन्यवाद दीजिए, सवाई की वेलकम कर। आज की हम लोग एक ना जमायत हुई की कारण একটাই শুধু কারণ, অনেকগুলো রাজ্য আছে আর আমাদের একটা রাজ্য আছে। আমরা রাস্তার কাজে এক নম্বর, গ্রামীণ যোজনাতে আমরা এক নম্বর, 100 দিনের কাজে আমরা এক নম্বর, 21 দিনে এক নম্বর। আমরা 1 থেকে 10 এর মধ্যে সবসময় আমরা থাকি। তারপরও 11 লক্ষ বাড়ি যেটা কেন্দ্রীয় সরকার আজকে রেখেছে, কত লক্ষ? 11,56,000 বাড়ি আজকে রেখেছে। এটা কি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ? দিবে 60 টাকা, আমরা দেবো 40 টাকা, আমাদের 40 টাকা সবসময় রেডি আছে, 40% অলওয়েজ আমাদের রেডি और 60% वो देख क्यों अटका करते हैं, हमारा सवाल क्या? और फिर ये पैसा कौन पैसा? आपका हमारा टैक्स जो कलेक्शन करके लेके जाता है उसी का पैसा 60% देगा। वो कोई खैरात नहीं दे रहा, ना कोई जकात दे रहा है, ना कोई भीख दे रहा है। हमारा हिस्से रुपया हमको मिलना चाहिए, उसके लिए हमारा प्रतिबद्ध, उसके लिए 100 डेज काम में हम लोग एक नंबर है। पैसा नहीं दिया है, 2 साल से 3 साल से अटका के रखा है, लेकिन 200 टीम सेंट्रल टीम के ग्राम पंचायत में घूम रहा है। कितना टीम? 200 से ज्यादा, 300 तक बेसी टीम बड़े बड़ा, एक टीम के टका नहीं और एक टीम का ऑफिसर देकर पड़ा। माने आपको मजबूर कर देना चाहता है। हम लोग इतना मजबूर नहीं है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग बंगाली हैं और बंगाल व्हाट बंगाल थिंक टुडे रिमेनिंग इंडिया विल थिंक टुमारो। जो हिंदुस्तान कल सोचेगा बंगाल आज सोचता है, वो बंगाल है हम। इसलिए आज के डेट में हमारा आप लोग देख ही रहे हैं ये धरना मंच में हम लोग बैठे हुए किसके खिलाफ? ये टॉर्चर कर रहा है केंद्रीय सरकार, सत्य सरकार। आप मणिपुर का घटना देखे होंगे, हरियाणा का घटना देखे होंगे, दिल्ली में चल रहा है, ट्रेन में चल रहा है। पहले आदमी सोचता था कि हम मोटरसाइकिल से चले जाएंगे तो कोई गोली मार देगा, फिर सोचने लगा कि कार में जाएंगे तो कोई जो है बम मार देगा। लोग सबसे ज्यादा कहा सेफ समझा ट्रेन, आजकल ट्रेन में भी जो है हम सेफ नहीं। और बाबूजी को पार्लियामेंट में आने का फुर्सत ही नहीं, और क्या करके वोट लिया था तो हमको चौकीदार बना दो, बदामत के मत बनाओ। हम लोगों ने चौकीदार नहीं बनाया,
प्रधानमंत्री बनाया, और एक टर्म नहीं दो टर्म के लिए एक आदमी वोट लेता है, वोट देते हैं। क्या परेशान करने के लिए वोट देते हैं आप लोग? ये नफरत की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, पाकिस्तान इंडिया की राजनीति करके, पुलवामा करके ये लोग के दिमाग में दहशत उठाना चाहते हैं, और हम लोग को दहशत उठना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री की तरफ देखना पड़ेगा, जिनकी उम्र 67 साल 68 साल हो गई है। हमारे घर में अगर हमारी माँ की उम्र 67 साल हो जाती है, 70 साल हो जाती है, तो अपनी माँ को निकलने देते हैं? नहीं देते हैं। वो भी तो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की दीदी है। वो लड़ाई लड़ रही है, आप किसके लिए लड़ाई लड़ रही है? आपके लिए, आपके हकूक के लिए। उस लड़ाई में हमको शरीक होना है, और वो लड़ाई वो जब तक जिंदा रहेगी वो लड़ाई लड़ते लड़ते जो है रहेगी। आज इंडिया एक जोट बना है, उस इंडिया को भी जो है कभी लश्कर तैयबा से जोड़ देता है, कभी जो है और कुछ से जोड़ देता है, मतलब अपोजिशन को उठने देना नहीं चाह रहा है। हमारा कहना है अपोजिशन तो अपोजिशन हमेशा रहेगा, कभी दुर्गम तो अपोजिशन नहीं है। बीजेपी के लोग असेंबली में घुस नहीं रहा है, असेंबली में नॉक जॉब हो ही सकता है, डेमोक्रेसी में नॉक जॉब अगर नहीं होगा तो डेमोक्रेसी सिस्टम कैसे करेगा? आप डेमोक्रेटिक देश में जो एक हो चुका है की एनर्जी, उसका पैसा टका के रखिएगा, हम कब छोड़ेंगे नहीं। ये लड़ाई आज से स्टार्ट हुआ है, ये लड़ाई चलते चलते वो जो है दिल्ली का तख्त छोड़ के भाग जाना देखिएगा, इसका हम गारंटी ले रहे हैं। 2024 में आ नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया से उसको घबराहट हो गई, इंडिया से उसको घबराहट हो गई है, इंडिया के नाम से जो घबराहट हो गई है। इसलिए दोस्तों आप लोग फिक्र न करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज हमारे दीदी पंचायत स्तर अवर होगी या खत्म होगी। हाँ, पंचायत स्तर में अगर हम ये भी कह रहे हैं किसी को अगर तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह के वास्ते माफ फरमाए। ये आपका इलेक्शन था, आपका इलेक्शन में कहीं अगर आप लोग कहीं गलती किए होंगे तो कम से कम आप लोग जो है उन लोगों लेके बैठिए, एक बार नहीं 100 बार 1000 बार बैठने की जरूरत। एक समाज में हम लोग रहते हैं, समाज को जो है खत्म नहीं करना है, समाज को जिंदा रखना, अच्छा बेहतर बेहतर बनाना है। इसलिए ये वर्ड हम बोलते थे अक्सर, क्या बोलते थे कि इलेक्शन से पहले कि जो खुश नसीब होता है टिकट मिल जाती, टिकट मिला, इलेक्शन लड़े, वो हार गए, कुछ लोग जीते। हार जीत तो तकदीर का फैसला होता है, हार जीत अल्लाह का फैसला होता है, भगवान का फैसला होता है। लेकिन एक बात को मान के चलना पड़ेगा, मैं बोला था उस दिन, लेकिन सवाल होता है अभी जो लोग जीते हुए उसके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर जो है आपका जिम्मेदारी ज्यादा आ रहा है, ताकि वो इलाके के लोगों में हरियाली पैदा करे, समाज को अच्छा करे, और डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट से जो है दूर रहे, और साथ साथ डेवलपमेंट का काम करे। डेवलपमेंट का काम करने के बाद अगर हमारा बिहेव में, हमारी जुबान में, हमारे सलूक में अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो पब्लिक जो है उनके लिए हमको माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने बिहेव को, अपनी जुबान को और अपने इखलाक हम लोग को बुलंद करना चाहिए, ताकि आने वाला दिन हमारे लिए अच्छा हो। हमारी लड़ाई किसी कांग्रेस से नहीं है, हमारी लड़ाई लेफ्ट से है, न हमारी लड़ाई फ्रंट से है, न हमारी लड़ाई आप पार्टी से है। हमारी लड़ाई सिर्फ है तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के अलावा किसी से नहीं है। ये वेस्ट बंगाल में लड़ रही है ममता बनर्जी, हमारे मुख्यमंत्री किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। कांग्रेस है क्या असेंबली में? नहीं है। लेफ्ट है क्या असेंबली में? नहीं। जितने भी लोग कांग्रेस से जीते हैं सब लोग जो आने के लिए तैयार हो गए हैं। आपका तृणमूल कांग्रेस जितने भी सिक्किम से जीतता है वो लोग भी आने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन आपका फैसला होना चाहिए, ऊपर का फैसला होना चाहिए, मेरा कोई फैसला नहीं है। इसलिए हमारा एक और रिक्वेस्ट है कि आज जो सब चीज हम लोग देखे मणिपुर में इस तरह से घटना घटना पुलवामा का 42 लोग शहीद हो गए, और उस दिन
सत्यबल मलिक जी गवर्नर साहब ये बोल रहे थे, ये पावर में आने के लिए कुछ भी करा सकता है, बहुत बड़ा कोई घटना कर सकता है। तो बड़ा घटना कहाँ करेगा, जहां हिंदू मुस्लिम जो है बराबर हो। इसलिए हम लोग यहाँ जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मेजोरिटी में हैं, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है हिंदू भाई को सेफ्टी सिक्योरिटी देना। अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे तो हम जो है मॉरली खत्म है। आज हमारा इख्तलाफ होना चाहिए कि हमारे हिंदू भाई के लोगों के घर में हम लोग जो है उनको, चाहे उसके मंदिर हो चाहे उसके गांव हो, उसको सेफ सिक्योर हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए। आप लोग सबका जिम्मेदारी है तो हाथ उठाइए। तो और हिंदू भाई जितने भी हमारे यहाँ है सारे, कोई बड़ा भाई है कोई छोटा भाई है, आप लोगों भी जो है हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, कोई भी खस्ता हो कोई भी हिंसा हो कभी जो टॉयलेट नहीं करें, किसी को बदमाश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों से दीदी बताई है उसमें कभी जो बुलाया गया था सब अधिकारी को, मोदी जी बुलाया था, अमित शाह जी बुलाया था, उसके बाद मोहन भागवत जी बुलाया था, पूरा जो लीकेज हो गया है। इसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, संतरास, कम्युनल दंगा, उसके बाद यही सिर्फ नहीं, राजवंशी को दलित से, दलित को आपका निपुजी भाई से, मुस्लिम को शेरसमति से देसी को, और शेरसमति को देसी से, इस तरह से लड़ाई का साजिश चल रहा है। उस साजिश के खिलाफ जो हमारा प्रतिवाद है, और आप लोग जहां जहां जो लोग जिम्मेदार है, अंचल प्रेसिडेंट प्रधान, आप लोग ज्यादा पेशेंस होने की जरूरत है, ज्यादा सब्र लेने की जरूरत है। जहां कुछ हो आप लोग जो विश्व नेता हमारा ठंडा करने की, अगर कहीं आग लग जाए पहले इंसान की जिम्मेदारी होती है आग को बुझाना, और उस आग में अगर हम एक बार तेल डाल दें तो वो आग बुझेगा क्या, नहीं। तो हमारे जिम्मेदार जितने भी लोग हैं इन लोगों से हमारे एक रिक्वेस्ट है, कहीं भी कोई किसी घर में आग लगे पहले उस घर को जो है आग से निजात दिलाना, आग को बुझाना। और तीसरी बात ये है कि सामने 2024 इलेक्शन है, ये 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए हर हवा इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हमारी हम लोग हमारा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हुआ एक बार कोर का, लेकिन तब भी मुझे उम्मीद है पार्लियामेंट के इलेक्शन में जितना हम लोग लीड दिए थे 50,000 उससे ज्यादा जो है लीड देके हम लोग भेजेंगे। और साथ साथ और भी एक प्रोग्राम है हमारा, उसके बाद ये प्रोग्राम है हम चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन आप लोग प्रोग्राम को चलाते रहिएगा। और फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि जो लोग यहाँ है हम लोग एक साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ हजारों साल से हैं, लाखों साल रहना पड़ेगा, इस बात को हम लोग न भूले। कुछ चंद लोग आए हैं, पानी का उम्र कितना है त्रिपन साहब, कितना दिन जिंदा रहेगा, और 20 साल ऐड कर दीजिए 73 साल, और किसी का तो 75 साल हो गया है, उसको कितना दिन जीना जिंदा रहना पड़ेगा, वो तो चले जाने वाला है। जब वो चले जाएगा तो फिर वो जब तक रहेगा हिंदुस्तान को तत्सलात के जो है लाके छोड़ेगा, तो उसको हम लोग 2024 में उसको हटाने का हम लोग कोशिश किए हुए हैं। और सारे अपोजिशन आप लोग सोच सकते हैं, जिस गांधी ने देश को आजाद कराया, जिस जवाहरलाल नेहरू ने देश को आजाद कराया, सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद कराया, हर गांधी का हत्यारे को आज जो है फ्रीडम फाइटर को माने, अगर इससे शर्मनाक बात नहीं। राहुल गांधी जैसा शख्सियत को 24 घंटे में उसका मेंबरशिप खारिज कर दिया, उस पर जो है मुकदमा जाएगा, लेकिन आज कोर्ट है, आयन है, सुप्रीम कोर्ट है, कुछ लोग बचे हुए अभी भी, ये लोग अगर कुछ बचे बनना होता तो हिंदुस्तान का आज का ऐसा पोजिशन नहीं। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का अभी भी आयन है, आयन खत्म नहीं हुआ है, खत्म होगा। यही चल रहा था जर्मनी में, हिटलर जी कर रहे थे एक कौम के खिलाफ, एक गोष्ठी के खिलाफ, एक जात के खिलाफ, आज हिटलर है क्या, नहीं। लेकिन जर्मनी, आप जो जर्मनी पहले से आज ज्यादा तरक्की याफ्ता है ना, नहीं आज ज्यादा तरक्की याफ्ता है,
हिंदुस्तान भी जो है हिंदुस्तान रहेगा, हम लोग भी रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार सारे लोग रहेंगे। जो नहीं रहेगा, जो हिंदुस्तान को तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना, वो नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री का जो आदेश है मणिपुर के खिलाफ, स्टेट हमारा, हमारा जो एनडीए एनर्जी का पैसा रखा उसके खिलाफ, केंद्रीय योजना है उसके खिलाफ, दलितों पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ, श्रमिका पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ, माइनोरिटीज पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ, मणिपुरी पर, मणिपुर में दंगा फसाद है उसके खिलाफ, हरियाणा में हो रहा है उसके खिलाफ, ट्रेन में हो रहा है उसके खिलाफ, सबके खिलाफ आज इन चीजों को लेकर के हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। प्रतिवाद के लिए हम लोग 4:30 बजे तक हम लोग इस प्रतिवाद सभा को हम लोग जिंदा रखे, बचा कर रखेंगे आप लोग 4 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया, और ज्यादा ना वक्त ना लेकर के आपका मैं शुक्रिया करते हैं।